अस्सलाम वालेकुम। तो जी आज मैं आई हूँ यहाँ पर आईलैश एक्सटेंशन लगवाने के लिए। तो मैं अभी हूँ फ्रैंकफर्ट, तो जो जर्मनी च रहते हैं उन्होंने तो पता ही है, ये पीछे जलोना आपको नज़र आ रहा होगा, तो ये देख सकते हैं आप। मैं यहाँ पर जाने वाली हूँ आज अपने आईलैश एक्सटेंशन लगवाने के लिए। तो आपको ये अगर करवाना चाहे तो यहाँ पर ज़रूर आ सकते हैं। वैसे मेरा आज फर्स्ट दफ़ा है, तो ये करवाने के बाद साथ साथ मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करती रहूँगी कि कैसा रहता है। तो जी वीडियो शुरू करने तो पहले मैं तुम्हें यह कहूँगी सारे चैनल में तुम सबसक्राइब जरूर करना अगर साड़ी वीडियो तुम चंगी लगती है, और कमेंट करके तुम अपनी राय का भी साथ दे सकते हो। और अलावा साड़ी वीडियो शेयर जरूर करियो, ए बिल्कुल फ्री है, तो पैसे नहीं लगते, तो इन्हें कंजूसी नहीं करी होंगी, वीडियो शेयर कर देती है। ओके, तो जब मैं अंदर जाऊँगी बाकी की डिटेल और प्रोसेस मैं आपको अंदर जाके दिखाऊंगी।
अच्छा ये देखे, ये एक मेरी आंखों ने कर ली, ये देखे, और दूसरी आंख का बड़ा करक अभी। अच्छा अभी ये है कि अब इसके बाद ये दूसरी आंख खरीदे, ये आपकी अपनी मर्जी है किस तरह का आप इसको वॉलिंग करवाना चाहते हैं। तो उन्होंने फिर इतना किया, ये तब कुछ दिखा दो, अब अभी दूसरी आंख होनी है। तो अब ये दोनों दूसरी भी कम्प्लीट हो जाएगी, तो फिर उसके बाद आप फाइनल लुक दिखाऊंगी कैसे लगता है, ठीक है। ये देखिए मेरे आईलैशेस कंप्लीट हो चुके हैं, मैं आपको फाइनल इसकी लुक दिखाती हूँ। तो ये उन्होंने नेचुरल लुक करवाए मैंने, क्योंकि मेरी आँखें इतनी बड़ी नहीं है, तो उस हिसाब से ये करते हैं। तो ये है कि ये हो गया, ये देखें। ये रहेंगे एक मंथ, और एक मंथ में भी ये है कि आपने एक दफ़ा फिर से आने इसको रीफिल करवाने के लिए, क्योंकि ये ज़री बात हमारे जो ओरिजिनल होते हैं वो निकल जाते हैं, ये तो फिर हमने लगवाए होते हैं। तो ये एक मंथ रहते हैं, और उसमें भी आपको अगेन आना पड़ेगा रीफिल करवाने के लिए। और इसकी अब मैं एहतियात आपको बताती हूँ कि साथ साथ क्या करना है। एहतियात करेंगे तो ये एक मंथ से प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, ये बाकी हमारे अपने ऊपर है। तो ये है कि आपने एहतियात ये करनी है इसकी, कि आप मस्कारा भी नहीं लगा सकते, इसके ऊपर लाइनर भी नहीं लगा सकते, और आप फेस वॉश कोई भी इसके लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। सिर्फ जो बेबी शैम्पू होता है उसके साथ आपने अपना फेस वॉश करना है। और ये जब हमने भी करवाए हैं तो दो दिन कुछ भी नहीं, मतलब फेस हम वॉश नहीं कर सकते, दो दिन के बाद हम करेंगे, और उसमें भी बेबी शैम्पू इस्तेमाल करना है, कोई दूसरे फेस वॉश या किसी भी कोई भी प्रोडक्ट हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। एहतियात इसकी बहुत ज़्यादा है। तो ये है कि अपने आपको वक्त डालने वाला हिसाब है, लेकिन ये है कि जिनको इस चीज़ का है कि वो ये अपने आईलैशेस करवाना चाहते हैं तो वो ज़रूर करवा सकते हैं। तो ये है कि मेरे हो चुके हैं कंप्लीट। तो मैं आगे साथ साथ आपको ना अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि ये एक मंथ रहते हैं क्या बनते हैं, निकलते हैं कितने निकलते हैं, और क्या क्या है ना हिसाब होता है इसका। तो ये है कि ये उन्होंने साथ एक इसकी स्पॉयली ब्रश दी है, ये जो होता है इसके साथ जब आप फेस वॉश करेंगे तो ये स्पूली ब्रश लेना है आपने, तो आप इसके साथ इसको ना ऐसे सेट कर सकते हैं। तो अगर आपके पास ये नहीं है तो आप बाज़ार से ले सकते हैं, वरना ये है कि यहाँ पर तो ये सलून वाले आपको देते हैं, क्योंकि ज़री बात उन्होंने इतने पैसे लिए होते हैं, इसके चार्जेस लिए होते हैं, तो वो साथ अगर उन्होंने ये दे दे ये भी दिया तो कौन सी बड़ी बात है। तो ये था। तो बाकी ये भी है इसमें कि वो मैं ये चाह रही थी कि मेरे ये वॉल्यूम आई लैशेज़ का ज़्यादा हो, लेकिन उन्होंने ये बोला कि अगर आप जितना ज़्यादा इसका वॉल्यूम बढ़ाएंगे आई लैशेज़ का, वो और ज़्यादा जल्दी डे बाय डे निकलते जाएंगे। तो बेहतर यही है कि अगर आपकी आईज इतनी बड़ी नहीं है जैसे कि मेरी है, तो उस हिसाब से जलून वाले जो आपको करें कि हम कम करेंगे तो कम ही करवाएं, अगर वो कहें कि आपकी आईज बड़ी हैं तो ज़्यादा वॉल्यूम करवाना है तो ज़्यादा भी आप करवा सकते हैं। लेकिन ये है कि मेरा ज़्यादा उन्होंने नहीं किया, उन्होंने यही बोला कि ज़्यादा करवाएंगे तो निकल जाएंगे। तो जी मेरी थी वीडियो आज की यही, आई होप कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी। तो मैं अब आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में किसी और नई चीज़ के साथ। तो मुझे दे इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।